डिजिटल हेल्थ केयर, भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए। एक सपना जो भारत के दूरदर्शी जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, डिजिटल इंडिया के सपने के साथ 2015 में। आज डिजिटल इंडिया 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगियों को आसान बना रहा है। नागरिकों को दी जाने वाली कई डिजिटल सुविधाएं, जैसे कि पैसों का लेन देन, शिक्षा की डिजिटलीकरण, सरकारी प्रशासन एवं सेवाओं का डिजिटलीकरण, देश के डिजिटल ढांचे को मजबूत बनाने में कारगर साबित हो रही है। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी घोषणा के साथ शुभारंभ हुआ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। इस मिशन के पायलट प्रोजेक्ट में 6 केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, यहाँ नागरिकों को जागरूक किया गया और अस्पतालों एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को तैयार किया गया। अखबारों में इश्तिहार से लेकर रेडियो पर चर्चा तक, स्कूलों और एनसीसी कैडेट्स में जागरूक अभियान से लेकर अस्पतालों में पोस्टर लगाने तक कई ऐसे अभियान चलाए गए जिनसे आम नागरिकों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सभी फायदों के बारे में जानकारी देने में आसानी हुई। बीमारी में इलाज पाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर पूछता था कि पिछले रिपोर्ट्स दिखाओ, अगर भर्ती हुए थे तो कौन कौन सी दवाइयाँ मिली थी, और एक आम आदमी ये सब कुछ कहाँ तक संभाल के रख सकता है। तो इसी की वजह से अब मेरी हेल्थ आईडी बन गई है और एक हेल्थ आईडी मेरे इन डॉक्टर के सभी सवालों का जवाब बन चुकी है। डॉक्टर इतनी मुझे हॉस्पिटल पाती हैं, ट्रीटमेंट एड़ी हैं, केकड़ा இது ஊர் நாட்டிலேருந்து வரதுனால எனக்கு சரியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. கவர்மெண்ட் ஒரு அட்டை கொடுக்குறாங்க, அந்த அட்டையை நான் கையில் வச்சிருந்தேன்னா என்னோட முழு விவரமும் டாக்டருக்கு தெரிஞ்சிடும். நாகரிகோ கா குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா ஏகத்ர கர்ணி கே லியே இன் கேந்திர சாசித் பிரதேசோ மே பிரஷிக்ஷண காரியக்ரம், வர்க்ஷாப்ஸ், ஜாகருக்தா கேம்பெயின்ஸ், ஸ்கூலோ கே அலாவா ஸ்கவுட்ஸ் அண்ட் கைட் கே லியே ட்ரெய்னிங்ஸ் ஆயோஜித் கியே கயே. நாகரிகோ கோ 14 அங்கோ கா விசிஷ்ட ஹெல்த் IED தியா கயா. स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री तैयार की गई और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनाई गई। ये हमारा पहला कदम था एक मजबूत डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम की ओर। इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए और इस मिशन का भार दिया गया। आइए जानते हैं उनका ये सफर। हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में अगस्त 2020 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ। अभी तक देश भर में 13 लाख से ज़्यादा हेल्थ आईडीज बनाए गए हैं। 3200 से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल इसके अंतर्गत रजिस्टर हो चुके हैं। हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में हमारे यहाँ पे 250 से ज़्यादा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको रजिस्टर कर लिया गया है। 46% ऑफ द पॉपुलेशन है, 46% पॉपुलेशन, 5 लाख पॉपुलेशन बनती है, वो उनके हेल्थ IDs बन चुके हैं। चंडीगढ़ में हमारे यहाँ पे 1200 से ज़्यादा डॉक्टर्स की प्रोफेशनल रजिस्ट्री कर ली गई है। जिपमर में एक बड़ा अस्पताल है जिसमें 2000 बेड हैं और लगभग 8000 मरीज हमारे यहाँ हर रोज़ इलाज के लिए आते हैं। पिछले कुछ समय से हमने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या NDHM के साथ मिलकर अपने सभी डॉक्टरों का उनके एक नए सिस्टम में पंजीकरण किया है और अब हम एक नए तरीके पर शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम सभी मरीजों को NDHM के डेटाबेस में रजिस्टर करेंगे। इससे हर मरीज को एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगा। यूनिक हेल्थ आईडी उनका उनके आधार से जुड़ा होगा और इसका फ़ायदा ये है कि मरीज के सभी मेडिकल रिकॉर्ड, जिसमें उनकी जांचों की रिपोर्ट, जिसमें उनके प्रेस्क्रिप्शन, जो भी उनको दवा के पर्चे मिले हैं, सब एक नंबर से जुड़े होंगे। अगर वो मरीज़ किसी समय अचानक किसी आकस्मिक बीमारी के कारण, मान लीजिए बेहोश अवस्था में भी इमरजेंसी में आता है,
उसके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, कुछ कागज नहीं है, लेकिन उसके पास अपना हेल्थ आईडी नंबर है, तो डॉक्टर उसके सारे पुराने पर्चे, पुरानी जांचें, पुराने रिकॉर्ड, पुरानी दवाएं देख पाएगा। इससे मरीजों को इलाज में सहायता होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सितंबर 2021 तक सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 12 लाख से अधिक हेल्थ आईडी बनाई गई, 3000 से अधिक डॉक्टर्स और लगभग 2000 अस्पताल रजिस्टर किए गए। ये आंकड़े मिशन के प्रति नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह और मिशन की सफलता की ओर पहला कदम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को आयुष्मान बना रहे इस मिशन को 2021 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया और फिर इस मिशन को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की तैयारी की गई। नाम हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हेल्थ केयर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही है वो देश के वर्तमान और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें हर भारतवासी अपनी हेल्थ आईडी बना सकता है जो उसके स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। उसका हर इलाज, हर टेस्ट, हर रिपोर्ट, हर डॉक्टरी सलाह और दवाई एक हेल्थ आईईडी में रिकॉर्ड रहेगी, जिसे इलाज के लिए कोई डॉक्टर नागरिक की सहमति पर ही देख सकेगा। हेल्थ आईईडी नागरिक की इलाज हासिल करने में होने वाली हर परेशानी का समाधान बनेगा। यूनिक हेल्थ आईईडी एक 14 डिजिट का रैंडम तरीके से जनरेटेड नंबर होगा। नागरिक इसमें अपने हेल्थ रिकॉर्ड दर्ज करा सकेंगे, जो एक मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ा होगा, जिसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से नागरिक की सहमति से ही साझा किया जाएगा। इससे आपका ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का काम भी आसान होगा और अपने डेटा की गोपनीयता के लिए नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ये मिशन आज पूरे भारत में चल रहा है। आप भी जुड़िए देश को आयुष्मान बनाने के लक्ष्य को आसान बनाने के लिए शुरू की गई इस डिजिटल मुहिम से। हेल्थ आईईडी बनवानी, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री या हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की अधिक जानकारी के लिए www.abdm.gov.in पर जाएं या कॉल करें 1-4-4-7-7 पर। इलाज में होने वाली हर परेशानी का हल, अब देश का स्वास्थ्य भी हो रहा है डिजिटल।